दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे कलाकार रहे हैं जो अपनी रियल लाइफ में अपने पार्टनर से शादी करने के बाद सुर्खियों में आए थे, और सुर्खियों में आने का इनकी एक और वजह थी, वो थी इनकी महंगी शादियां जो काफी रॉयल अंदाज में बहुत सारे पैसे खर्च करके हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की किस जोड़ी ने अपनी शादी में कितने पैसे खर्च किए थे? नहीं ना, पर इतना तय है कि उनकी शादी का खर्चा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही फेमस स्टार्स की जोड़ियों से रूबरू कराने वाले हैं, जिन्होंने जब अपनी शादी की थी तो उनकी शादी का खर्च जानकर लोग हैरान रह गए थे। तो आइए एक एक करके बॉलीवुड की इन जोड़ियों की महंगी शादियों पर एक नजर डालते हैं। नंबर वन, बॉबी देओल और तानिया देओल। 30 मई 1996 को अभिनेता बॉबी देओल ने अपनी गर्लफ्रेंड तानिया से बहुत ही धूमधाम से शादी की थी। इनके शादी का मंडप बिल्कुल माता की चौकी की तरह चमकदार और खूबसूरत था, और इनकी केटरिंग में भी दुनिया की सारे डिशेज इंक्लूड थी, जिसका कुल मिलाकर खर्चा 10 लाख रुपए आया था। और ऑल ओवर बात करें इनकी शादी के खर्चे के बारे में, तो आज से 25 साल पहले इन्होंने अपनी शादी में लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए थे। नंबर टू, रवीना टंडन और अनिल थदानी। साल 2003 में अभिनेत्री रवीना टंडन ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थदानी से फतेहपुर पैलेस में राजशाही मंडप में बैठकर शादी की थी, जिसका खर्च 5.5 करोड़ रुपए का था। इनके खाने से लेकर शादी के कपड़े ज्वेलरी तक सब कुछ शाही अंदाज से किया गया था, जिसके चलते रवीना की शादी बॉलीवुड की सबसे एक्सपेंसिव शादियों में से एक रही है। नंबर थ्री, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। दोस्तों अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मुंबई के बहुत बड़े आलिशान 5-स्टार होटल में 6 करोड़ रुपए खर्च करके लंदन के बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी, जहां पर इन्होंने अपने शादी में आए गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सोने का सिक्का भी बांटा था। इनकी शादी बहुत ज्यादा रॉयल थी, जिसका खर्च 6.3 करोड़ रुपए के आसपास बैठा था। नंबर फोर, सनी देओल और पूजा देओल। साल 1984 में बॉलीवुड इंडस्ट्री के धाकड़ एक्टर सनी देओल ने अमेरिकन लड़की पूजा से चोरी चोरी चुपके चुपके 10 लाख रुपए में शादी करके सबको चौंका दिया था, जहां पर ये पंजाबी रीति रिवाज से अपनी पत्नी पूजा देओल के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। नंबर फाइव, सैफ अली खान और करीना कपूर। 16 अक्टूबर साल 2012 को सैफ अली खान और करीना कपूर ने निकाह करके अपने नवाबों वाली शादी में पूरे 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जहां पर करीना का शरारा और नेकलेस ही 90 लाख रुपए का था, और सैफ अली खान का जो शाही कुर्ता था वो 25 लाख रुपए की कॉस्टली अमाउंट वाला रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों की शादी बॉलीवुड की सबसे खर्चीली और एक्सपेंसिव शादियों में से एक रही है। नंबर सिक्स, आमिर खान और रीना दत्ता। बॉलीवुड इंडस्ट्री की आन बान और शान अभिनेता आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी तो की, लेकिन इनकी शादी का खर्च सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, आज से 35 साल पहले इन्होंने अपनी पत्नी रीना दत्ता से सिर्फ 10 रुपए में शादी की थी, और वो 10 रुपए आज 10 लाख के बराबर है। नंबर सेवन, शाहरुख खान और गौरी खान। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, मगर आज से 3 साल पहले जब इनकी शादी गौरी खान से हुई थी, तब 1 लाख रुपए भी इन्होंने शादी में खर्च नहीं किए थे। इनकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, जो आपको इन तस्वीरों में दिख ही रहा होगा। नंबर एट, सुनील शेट्टी और माना शेट्टी। वोडका लगाकर नाचने वाली अभिनेत्री अथिया शेट्टी के मम्मी पापा यानी कि सुनील शेट्टी और मना शेट्टी ने साल 1991 में बड़े से बैंक्वेट में शादी की थी, जिसमें बहुत से फ्लावर लाइटिंग से डेकोरेशन हुई थी, जिसका खर्चा 30,000 रुपए आया था, और केटरिंग पर भी 60,000 रुपए का अच्छा खासा खर्च हुआ था। और इन दोनों की वेडिंग आउटफिट से लेकर एक दिन के डिजाइनर अटायर की कीमत 1,25,000 रुपए थी, और इसे देखकर आपको समझ जाना चाहिए इन्होंने आज से 30 साल पहले अपनी शादी में जी भर के पैसा खर्च किया था। नंबर नाइन, अजय देवगन और काजोल। अभिनेता अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे सुंदर कपल हैं, जिन्होंने मराठी रीति रिवाज से सभी रिश्तेदार वालों की उपस्थिति में अपने मंडप के सुंदर डेकोरेशन के साथ 14 लाख रुपए में अपनी शादी बहुत ही पारंपरिक वैल्यू के साथ पूरी की थी, और उनकी ये कम खर्च वाली शानदार शादी आज भी बॉलीवुड की सबसे प्यारी शादी में से एक है। नंबर टेन, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना की शादी वैसे तो काफी शाही तरीके से की गई थी, जो अक्षय कुमार के छत पर फूलों का मंडप बनाकर की गई थी।
इनकी शादी में सिर्फ घर परिवार वाले ही शामिल हुए थे और आज से 20 साल पहले यानी कि 17 जनवरी 2000 में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की इकोनॉमिकल मैरिज का खर्च 25 लाख रुपए आया था, जिसकी वैल्यू आज से 20 साल पहले 1 करोड़ रुपए की गई थी। तो दोस्तों, आपको किस बॉलीवुड कपल की एक्सपेंसिव वेडिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत और आलिशान लगी है? आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।